ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड, यूएस वर्सेज ईएनजी, और ईएनजी वर्सेज एयूएस के बीच में ये जो है सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा। पहला मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है मैच विन किया था और जो है बैट फर्स्ट करते हुए मैच विन किया था, लेकिन इस बार जो है वेन्यू दूसरी रहने वाली है। ये वेन्यू जो है सोफिया गार्डन कार्डिफ के वेन्यू पे 11 बजे से जो है मैच होगा। सेकंड टी20 मैच है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, फुल स्टैट्स इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। प्लेयर्स बैटल इस वीडियो में है और इस वीडियो में जो है आपको प्लेइंग 11, इस वीडियो में प्लेयर के स्टैट्स यानी कि वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू हेड के रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म सभी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सबसे जो पहली चीज रहेगी मेरे भाई वो रहेगा टेलीग्राम का चैनल, तो आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आपको जो है वहां पर टीम की कोई न्यूज वगैरह आती है तो वो शेयर करता हूँ, साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन की आपको जो है च्वाइस भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम का चैनल मेरे भाई जरूर से जो है ज्वाइन करिएगा। डायरेक्टली अब जो है बात करते हैं वेन्यू के बारे में। तो देखो ये जो मैच होने वाला है ना, ये जो मैच होगा वो सोफिया गार्डन कार्डिफ के वेन्यू पे जो है मैच होगा। यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं तो जो है न्यूट्रल वेन्यू जो है देखने के लिए मिलेगी, थोड़ी सी बैट को अच्छी सपोर्ट मिलती है, फास्ट बॉलर्स को जो है एडवांटेज मिलते हुए यहाँ पर देखा गया है। अगर आप देखोगे लास्ट के जो है चार इनिंग्स यहाँ पर, तो भाई 260 बने हैं, 111 बना है और 129 बना है, 173 बना है, तो नो डाउट यहाँ पर रन बनते हैं। सेकंड इनिंग में अगर आप देखेंगे तो थोड़े से जो है कम रन बनते हुए यहाँ पर जो है देखे गए हैं, तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि सेकंड इनिंग में कम रन बने हैं। एवरेज स्कोर की बात की जाए 140 से 160 के बीच में जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर जो है लास्ट मैच का ही है जो कि 207 रन है। लोवेस्ट स्कोर अगर आप देखेंगे तो 89 रन है। लास्ट के तीन मैचेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फास्ट वर्सेज स्पिनर्स की अगर बात की जाए, 21 विकेट फास्ट बॉलर को मिले हैं, 13 विकेट जो है स्पिनर्स को मिले हैं। तो कंपेयर टू स्पिनर्स फास्ट बॉलर यहां पर ज्यादा विकेट्स जो है लेकर गए हैं। वेन्यू स्टैट्स की और भी बात की जाए तो यहां पर अगर आप देखेंगे टोटल जो है 9 टी20 मैचेस हुए हैं, 3 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 6 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है और एवरेज स्कोर तो हमने आपको ऑलरेडी बताया 140 से 160 के बीच में रहता है। यहां पर अगर आप देखेंगे स्कोरिंग पैटर्न तो भाई 5 मैचेस में 150 रन से नीचे का स्कोर बना है और 3 मैचेस में 170 से 190 के बीच में स्कोर बना है और सिर्फ एक मैच में जो है यहाँ पर 190 से ऊपर का स्कोर बना है। यहाँ पर हमने वेन्यू की फोटो भी लगा रखी है, देख सकते हो काफी खूबसूरत सा स्टेडियम है और ये जो है सोफिया गार्डन कार्डिफ के वेन्यू पर जो है सेकंड टी20 ऑस्ट्रेलिया वर्सेज जो है इंग्लैंड का मैच होगा। वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेला गया था ना वो आप देख लो, इस मैच में अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेज जो है इंग्लैंड का मैच था, 28 जुलाई 2022 को ये मैच खेला गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जो है 2 विकेट फास्ट बॉलर को मिला लेकिन सेकंड इनिंग में जो है 6 विकेट मिला, स्पिनर को जो है 5 विकेट मिले और यहाँ पर सारे मैचेस के हमने जो है स्कोर कार्ड, ब्रीफ स्कोर कार्ड डाल रखे हैं और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई फास्ट बॉलर को एडवांटेज रहता है, बहुत ज्यादा रन भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी जो है डिसेंट बैटिंग देखने के लिए मिलेगी यानी कि 160 से 180 के बीच में। अब दोनों ही टीम की अगर मैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करूं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर आप देखेंगे टोटल जो है 23 टी20 मैचेस हुए हैं, ऑलमोस्ट लगभग इक्वल है। 11 बार इंग्लैंड की टीम ने विन किया है, 12 बार जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विन किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आप देखोगे रिसेंट फॉर्म में काफी अच्छा है, बैक टू बैक जो है अपने मैचेस विन करके आ रही है। रिसेंटली स्कॉटलैंड के साथ में मैचेस खेले थे, बैक टू बैक जो है ये टीम मैच विन करके आ रही है, जबकि इंग्लैंड की हालत थोड़ी सी पतली है। अगर आप इनकी रिसेंट फॉर्म देखोगे लास्ट के 2 मैच जो है हार के आ रही है। डायरेक्टली अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर इस वेन्यू पे जो लास्ट के 4 मैचेस हुए हैं ना उसके बारे में। राइट आर्म फास्ट को 8 विकेट मिले हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 12 विकेट और लेफ्ट आर्म को जो है 7 विकेट मिले हैं। तो कंपेयर टू लेफ्ट आर्म यहां पर राइट आर्म ने जो है ज्यादा विकेट्स निकाले हैं। लेग ब्रेक बॉलर 7 विकेट इनको मिला है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन को 3 विकेट मिला है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 विकेट मिला है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक को जो है सिर्फ 1 विकेट मिला है। तो ये जो है लास्ट के 4 मैचेस जो है जिन्होंने विकेट्स यहां पर जो बॉलर रोल ने निकाले हैं सभी यहां पर जो है आपको चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब गाइज हम बात करते हैं यहां पर प्लेइंग 11 की। सबसे पहले हम इंग्लैंड टीम की जो है प्लेइंग 11 देखेंगे। फिलिप शॉर्ट के साथ में जो है विल जैक्स आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वर्ड डाउन पे जॉर्डन कॉक्स हैं, उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन है, फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाई आपको जैक बैथल देखने के लिए मिलेंगे, जैमी ओबरटन है, उसके बाद सैम करन है, जोफ्रा आर्चर है, आदिल रसीद है, साकिब महमूद है और आर टोपले है। ये इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 है। लास्ट मैच में आपको मैं बता दूं कि जैक बैथल से जो है काफी ओवर डलवाए गए थे लेकिन इस बार शायद से ये बॉलिंग करते हुए आपको ना दिखाई दे क्योंकि लिविंगस्टोन ऑलरेडी जो है इनके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर है
है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे आठ टोपले से सिर्फ एक ओवर डलवाया गया था। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आठ टोपले भाई हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक ओवर डलवाया जाए। आठ टोपले जो है डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, इसीलिए मैंने लास्ट मैच में आठ टोपले को अपनी टीम में प्रेफर किया था। लेकिन वही है कि पहले जो है ओवर में इनकी पिटाई अच्छी खासी हो गई थी, जिस वजह से इनके ओवर कट गए थे। और ये ध्यान रखिएगा कि जैक बैथल आप अगर ग्रैंडली की टीम में ट्राई करते हैं तो भी एक रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं। गाइज अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर की परफॉर्मेंस की। फिलिप शॉट लास्ट मैच में अगर आप देखेंगे ना, तो भाई 87 रन इन्होंने जो है नॉट आउट किए थे, सॉरी 87 रन नहीं भाई, यहाँ पर जो है 20 रन इन्होंने लास्ट मैच में जो है बनाए थे। और अगर आप देखेंगे सिलेक्शन, तो भाई 69% इनका सिलेक्शन है, अच्छी ऑप्शन रहने वाले हैं। और इनकी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, और ग्राउंड पे कोई भी इनका रिकॉर्ड नहीं है। हेड टू हेड में दो मैचेस खेले हैं जिसमें 57 रन है, तो डिसेंट सा जो है इनका जो है परफॉर्मेंस है। और दोनों ही मैचेस में इन्होंने जो है सेकंड जो है बैट किया हुआ है। अगर हम बात करें विल जैक्स की, तो लास्ट मैच में जो है सिर्फ 6 रन पे आउट हुए। रिसेंट फॉर्म देख सकते हो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बंदा बॉलिंग करा लेता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बैथल अगर बॉलिंग नहीं कराए तो विल जैक्स आपको बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं। सिलेक्शन 44% हो गया है क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो भाई जॉर्डन कॉक्स आते हैं, विकेट कीपर बैटर है, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो डिसेंट सा रहता है, सिलेक्शन लेस है, लेकिन लास्ट मैच में 40 पॉइंट इन्होंने दिए थे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं लिविंग स्टोन, सिलेक्शन हाई जाने वाला है क्योंकि लास्ट मैच में 3 विकेट लेकर गए, प्लस 37 रन भी किए, नंबर 5 पे बैट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 86% सिलेक्शन है, 100% मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनको अपनी टीम में रखिए। लास्ट मैच में मैंने इन्हीं को ड्रॉप करके 8 टोपले को अपनी टीम में रखा था, जिस वजह से काफी बड़ी जो है हमसे मिस्टेक हुई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिमी ओबर्टन और जेक बैथल ग्रैंडी की ऑप्शन रहने वाले हैं। सैम करन को अपनी टीम में रखिएगा, बंदा जो है लेफ्ट हैंडेड बैट करता है, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाजी करता है, और अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे तो भाई विकेट्स बंदे निकालता है। हेड टू हेड में भी 3 मैचेस में 6 विकेट है, तो अच्छी फॉर्म में है, 91% सिलेक्शन है, सीवीसी के लिए बढ़िया ऑप्शन आपको मिलते हैं। जोफ्रा आर्चर को भी लास्ट मैच में 2 विकेट मिला, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, हेड टू हेड के 5 मैचेस में 6 विकेट है, वेन्यू पर 1 मैच खेला है जिसमें 2 विकेट है, 74% सिलेक्शन है, बढ़िया ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, आप बोल सकते हो कि विकेट लेके जाते हैं। आदिल रशीद, वन सेकेंड फिर से मैं आपको बता दूं कि रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इस वेन्यू पे स्पिनर्स को उतने विकेट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रिसेंट फॉर्म में देखोगे ना आदिल रशीद का और एडम जाम्पा का, तो ये बंदे किसी भी वेन्यू पे विकेट्स निकाल लेते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूं हमेशा कि ऐसे प्लेयर्स को जो है जल्दी ड्रॉप करना एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है। साकिब महमूद को भी जो है 2 विकेट मिला, रिसेंट फॉर्म देखोगे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 2 विकेट लास्ट मैच में मिल गया, ऐसे ही जो है ग्रैंड लीग में ये प्लेयर आपके काम आने वाला है। सिलेक्शन पे मत जाइएगा, स्मॉल लीग के लिए ये काम नहीं आएगा, आपको ग्रैंड लीग भी ये प्लेयर जो है काम आएगा। बाकी अगर मैं बात करूं आठ टोपले, तो भाई इनका सिलेक्शन मात्र 9% हो गया है, और वहीं अगर मैं बात करूं इस मैच में ज्यादा ओवर जो है इनको मिल सकते हैं। मैं अपनी मिनी जीएल की टीम में जो है इस प्लेयर को लेके जाऊंगा, बढ़िया ऑप्शन आठ टोपले रहने वाले हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट जो है गेंदबाजी कराते हैं, और एडवांटेज ये है कि ये डेथ में भी गेंदबाजी करा लेते हैं। इंग्लैंड के जो बेंच पे प्लेयर्स हैं ना, उनका हमने यहाँ पर नाम लिखा है, तो आप इनके बेंच पे जो प्लेयर्स हैं उनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पावर प्ले और डेथ में गेंदबाजी कौन कराएगा। तो पावर प्ले में आपको जो है जोफ्रा आर्चर पहला और तीसरा ओवर, आठ टोपले दूसरा ओवर, साकिब महमूद चौथा छठा ओवर, और सैम करन 5 ओवर करते हुए मिल सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं तो जो है आठ टोपले का एक आप और भी ओवर जो है चौथा ओवर इंक्लूड कर सकते हो। डेथ ओवर की अगर मैं बात करूं, लिविंग स्टोन 15वां ओवर, आदिल से 16वां ओवर, सैम करन 17वां, जोफ्रा आर्चर 18वां और 20वां, साकिब महमूद जो है 19वां ओवर आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्लेयर्स बैटल भी हमने लिखा है, तो वो भी आप देख लो। फिलिप शॉट को सीन एबॉट ने 1 बॉल करी है, इनको आउट किया है। जाम्पा ने भी सिर्फ 1 बॉल किया है, इनको आउट किया है, तो मात्र 1-1 बॉल पे इनको आउट किया हुआ है। जॉर्डन कॉक्स को बैटलेट ने 8 बॉलें करी हैं, 7 रन देके 1 बार आउट किया है। विल जैक्स को स्टोनिस ने 2 बॉलें करी हैं, 1 रन देके 1 बार आउट किया है। हेजलवुड ने 3 बॉलों में 2 रन देके 1 बार आउट किया है। लिविंग स्टोन को भी हेजलवुड ने जो है 4 बॉलें करी है, 2 रन देके 1 बार आउट किया हुआ है। दोस्तों एक बस चीज आपसे बोलूंगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को आप एक लाइक जो है जरूर से कर दें। ऑस्ट्रेलिया टीम की हम प्लेइंग 11 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर मैं बात करूं, मैथ्यू शॉट के साथ में जो है टार्विस हेड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे जो है मिशेल मार्स है, उसके बाद जोस इनिंग्स है, मार्कस स्टोनिस है, टीम डेविड है, कैमरून ग्रीन है, सीन एबॉट है, एक्सवियर ब्रेटलेट है, एडम जाम्पा है, और जोस हेजलवुड है। ऑस्ट्रेलिया टीम की ये प्लेइंग 11 है। देखो यार चेंजेस तो मुझे नजर नहीं आ रहे, अगर कोई चेंज होगा टेलीग्राम पे आपको मैं जरूर से बताऊंगा। प्लेयर के स्टैट्स की हम बात करते हैं,
अगर आप देखेंगे टार्विस हेड और मैथ्यू शॉर्ट दोनों काफी अच्छी फॉर्म में है, तगड़े फॉर्म में है, 41 रन 27 रन प्लस एक विकेट 22 रन 16 रन, तो भाई अच्छे फॉर्म में है। दूसरी तरफ टार्विस हेड भी अच्छे फॉर्म में है, 76 80 12 रन 59 रन, तो लास्ट मैच जो खेले थे उसमें 59 रन इन्होंने किए थे। हेड टू हेड में रिकॉर्ड जो है डिसेंट सा है, 4 मैचेस में 114 रन है, और अगर आप T20 कैरियर का स्टैट्स देखोगे वहां पर भी जो है अच्छा है, वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर है, 86% सिलेक्शन है, ग्रैंडली की टीम में सीबीसी भी आप जो है इनको करके जा सकते। मैथ्यू शॉर्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं तो ये एक एडवांटेज इनके साथ में रहेगा, तो इनको भी आप जो है सीबीसी ट्राई कर सकते हो, अपनी टीम में जरूर से रखिएगा। मिशेल मार्श आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अगर आप देखोगे बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स जो है नहीं निकल के आई है, और ये भी बॉलिंग कर लेते हैं, और हेड टू हेड में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे बहुत अच्छा नहीं है, डिसेंट सा है। इसके अलावा जो इनिंग्स लास्ट मैच में 37 रन इन्होंने किया हुआ है, एक मैच खेले हैं जिसमें 37 रन है, और सिलेक्शन अच्छा खासा है 71%, जो कि जो है हमने लास्ट मैच में भी इनको लिया था, अच्छी ऑप्शन रहने वाले हैं। मार्कस स्टोनिस भाई बंदा कमाल का है, बैट बॉल दोनों से परफॉर्म करता है, सबको पता है अपनी टीम में रखना चाहिए। टॉप ऑर्डर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो देन आप जो है टीम डेविड को प्रेफर कर सकते हो। कैमरून ग्रीन बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं भाई, बॉलिंग कर लेते हैं, लास्ट मैच 13 रन प्लस एक विकेट 62 रन प्लस तीन विकेट 36 रन प्लस दो विकेट, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो अच्छा है, हेड टू हेड के दो मैचेस में 14 रन है एक विकेट है, बैट ऑर्डर नीचे है, अदरवाइज ये बंदा काफी कमाल का है, और विकेट भी निकाल के लेके जाता है, रन भी करके आपको दे देता है। सीन अबाउट लास्ट मैच में 3 विकेट मिला, उसके पहले 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, तो देख सकते हो विकेट निकालते हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, वेन्यू पर विकेट मिलने के हाई चांसेस हैं, 68% अभी सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन जो है इनका हाई जाएगा, और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि सीन अबाउट जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बॉलिंग सेक्शन में आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सवेयर ब्रेटलेट जो कि एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, रिसेंट फॉर्म में आप देख सकते हो लास्ट के 4 मैच में विकेट निकाला है, हेड टू हेड में एक ही मैच है जिसमें एक विकेट है, यहां पर ओवरऑल T20 कैरियर में 4 मैचेस में 6 विकेट है। जांपा भी अगर आप देखोगे भाई किसी भी वेन्यू पे विकेट निकाल लेता है, तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है, 85% जो है सिलेक्शन है, जिस दिन आप नहीं लोगे ना उस दिन तो कंफर्म ये बंदा विकेट जो है लेके ही जाएगा। जो सेजलवुड लास्ट मैच में जो है 2 विकेट इनको मिला, बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं, सिलेक्शन थोड़ा सा स्लो है लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई डिसेंट ऑप्शन है, मैं बोलूंगा आप अपनी टीम में इसको प्रेफर कर सकते हो। गाइज अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के जो बेंच पे प्लेयर्स है ना, इसमें जो है जैक फ्रेजर अगर खेलते हुए आपको दिखाई दें तो ये बढ़िया ऑप्शन है, ओपन करेंगे इनको अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हो, राइट हैंडेड बैट करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। पावर प्ले और डेथ में गेंदबाजी कौन कराएगा, तो आपको बता दें पहला तीसरा पांचवा ओवर ब्रेटलेट करते हुए आपको दिखाई देंगे, जो हेजलवुड दूसरा और चौथा, सीन अबाउट आपको छठा ओवर करते हुए दिखाई देंगे। डेथ में अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो डेथ में आपको मैं बता दूं कैमरून ग्रीन 15वां ओवर, एडम जांपा 16वां, जो हेजलवुड 17वां 18वां 20वां सीन अबाउट, और 19वां ओवर मार्कस स्टोनिस। प्लेयर्स बैटल देख लो, प्लेयर्स बैटल में अगर आप देखोगे टार्विस हेड को जोफ्रा आर्चर ने 13 बॉले करी हैं, 18 रन देके एक बार आउट किया है, साकी महमूद ने 7 बॉले करी हैं, 14 रन देके एक बार आउट किया है, मैथ्यू शॉर्ट को लिविंगस्टोन ने 2 बॉले करी हैं, एक बार आउट किया है, और जो सिनिंग्स को सैम करन ने 2 बॉले करी हैं, एक बार जो है इनको आउट किया हुआ है, ये एक रन है 2 बॉलों में, और साथ ही साथ आर टोपले ने मिशेल मार्श को एक बार आउट किया है, आदिल रशीद ने 26 बॉल में 32 रन देके 2 बार आउट किया हुआ है मिशेल मार्श को। गाइस जब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की, तो देखो यार टेलीग्राम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक भी आपको दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल्स का, तो वो भी जो है आप चेकआउट कर लेना। अब हम बात करते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की, तो देखो यार जो ड्रीम इलेवन की टीम बनाई है ना लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेस पे बनाई है, इसमें अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अपनी हम टीम में आपको दिखा देते हैं, इंग्लैंड के मैंने 5 प्लेयर लिए हैं, 6 प्लेयर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। कौन कौन से प्लेयर है हमारी टीम में, तो अगर आप देखेंगे हमारी टीम में जो है फिलिप शॉर्ट है, टार्विस हेड है, लियाम लिविंगस्टोन है, मार्कस स्टोनिस है, सैम करन है, विल जैक्स है, कैमरून ग्रीन है, मैथ्यू शॉर्ट है, एडम जांपा है, जोफ्रा आर्चर है, और यहां पर सीन अबॉट है, और यहां पर लिविंगस्टोन को मैंने जो है कैप्टनसी दी हुई है अभी के लिए, और यहां पर टार्विस हेड को जो है वाइस कैप्टनसी मैंने दी हुई है। फिलहाल आप यहां पर सेफ ऑप्शन अगर आप जाना चाहते हो तो भाई सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन लियान लिविंगस्टोन, टार्विस हेड, मार्कस स्टोनिस, ये तीन आपको बेस्ट ऑप्शन मिलती है। ट्रम्प कार्ड के पिक्स यानी कि ग्रैंड लीग की चॉइस कौन कौन सी है, तो भाई जॉर्डन कॉक्स हो गए, ओवरटन हो गए, और साकिब महमूद हो गए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखोगे मिशेल मार्श, जो हेजलवुड और ब्रेटलेट, तो ये जो है आपको ट्रम्प कार्ड के पिक्स मिलते हैं जो कि आपको ग्रैंडी की टीम्स में ट्राई करना चाहिए। कमेंट करके जरूर से बताना गाइज आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।